जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड द यूजेज ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। दो बातें हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ है, उसको स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के लिहाज से, और फिर उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बेटर टू से किन थॉट्स को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या चीज। देखिए, अगर हम एक स्टेटमेंट की शक्ल में कहना चाहें इसके लिए, तो वो तो ये बनेगी कि नंबर एंड पर्सन ऑफ द वर्ब मस्ट बी द नंबर एंड पर्सन ऑफ द वर्ब मस्ट बी दैट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन का नंबर और पर्सन जो है, वर्ब का नंबर और पर्सन वो भी वही होना चाहिए, या प्रोनाउन का नंबर और पर्सन जो है, वर्ब का नंबर और पर्सन वही होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ही प्लेज हॉकी। अब नंबर क्या है जी हमारे प्रोनाउन का, तो ये सिंगुलर है। पर्सन कौन सा है? थर्ड। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन है हमारे प्रोनाउन का या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का। अब हमने देखना है कि वर्ब के साथ क्या करें। इसको भी हमने थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना है। तो इन दैट केस हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या जरूरत के मुताबिक ईएस लिखेंगे। नाउ प्ले में एस ऐड कर देने के साथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बन गया है वर्ब। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, ये इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, ये रॉन्ग कैसे हो सकता है? हमारे पास पर्सन है थर्ड और सिंगुलर है, हम इसके साथ वर्ब लिखते हैं प्ले, एस ना शामिल करें। तो इन दैट केस प्ले जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने ये नोट किया कि प्ले लिखने की सूरत में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लिखते हैं प्लेज तो इन दैट केस सब्जेक्ट और वर्ब दोनों थर्ड पर्सन में है, नंबर वन, एंड नंबर उनका सेम है क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक और एग्जाम्पल इसको समझने के लिए देखिए, इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे जाके इसको इन डिटेल देखते हैं, नॉट द प्रैक्टिस। यू प्ले हॉकी। नाउ यू, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल प्रोनाउन, चाहे हम सिंगुलर को भी रेफर कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके साथ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगुलर है या प्लूरल है, इन बोथ केसेस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की ये वाली फर्स्ट फॉर्म सेकेंड पर्सन में है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों को रेफर कर रही है। सो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दे आर इन एग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए सबसे पहले अब जो चीज देखने वाली है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इन डिटेल देखते हैं। आई राइट, आप देखें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है प्रोनाउन हमारे पास, या सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होती है। सो वी विल राइट आई राइट, देन वी राइट। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लूरल और उसके साथ वर्ब भी जो हमने इस्तेमाल किया वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है।
यू राइट, यू सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर या प्लूरल इन बोथ केसेस, हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, देयरफॉर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेफर करती है सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों को, लिहाजा वर्ब भी सेकेंड पर्सन में है और सब्जेक्ट भी हमारा सेकेंड पर्सन में है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रोनाउंस और एक नाउन मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा है। ये प्रोनाउंस जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इनका पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम मैस्कुलिन फेमिनिन में नहीं जाते क्योंकि वर्ब में मैस्कुलिन फेमिनिन की डिस्टिंक्शन नहीं है इंग्लिश में, देयरफॉर हम यहां पर थ्रू आउट द ग्रामर वर्ब के मैस्कुलिन फेमिनिन होने को डिस्कस ही नहीं करते। हम प्रोनाउंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि ये सारे प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड अ पर्सन, ये सिंगुलर हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सिंगुलर हैं। ही, शी, इट प्रोनाउन है और अ पर्सन एक नाउन है, ये सिंगुलर हैं। एंड यहां पर एक टिप नोट कीजिए कि नाउन्स जितने भी हैं वो थर्ड पर्सन कंसिडर किए जाते हैं। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब हम लिखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और वो बनता है राइट्स, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद एस या जरूरत पड़े तो ई एस लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस, वो ये शो करता है वर्ब कि ये सिंगुलर को रेफर कर रहा है और थर्ड पर्सन को रेफर कर रहा है। सो हमारे सब्जेक्ट भी जो हैं सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन है, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट बात देखिए, दे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की जगह पे प्रोनाउन है, या देयर कैन बी अ नाउन जो प्लूरल हालत में हो जैसे पर्संस। तो इन दैट केस जब हमारा पर्सन थर्ड है और वो प्लूरल है तो हम वर्ब को क्या करेंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल में ही इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे राइट। तो राइट जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल में है और अपने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल में है। सो हमने इस स्लाइड में ये लर्न किया कि सब्जेक्ट का जो पर्सन और नंबर होता है वर्ब का भी वही पर्सन और नंबर रखा जाता है। अगर वो पर्सन और नंबर ना रखा जाए वर्ब का तो नतीजे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं रहता, हमारा सेंटेंस इनकोरेक्ट हो जाता है। एक ये बात। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ये बात जरा मुश्किल लगती है कि ही शी इट के साथ एस सी एस इस्तेमाल करना है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म। सॉरी, दैट साउंड्स रियली मतलब टायरसम, थका देने वाला अमल लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए ट्रिक क्या है कि आप सिर्फ ये बात जहन में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनाने के लिए हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं और बाकी कोई भी प्रोनाउन हो इनके अलावा या नाउन और किसी भी हालत में हो यानी प्लूरल हालत में हो, इन दैट केस हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आई राइट, वी राइट, यू राइट एंड दे राइट। ठीक है, तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के अलावा किसी भी प्रोनाउन या नाउन के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। सो याद रखने वाली बात तो सिर्फ इतनी सी है कि ही, शी, इट या अ पर्सन, ये जो है इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। सो ये हमने यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा किस टेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के लिए जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ये एक ही चीज के दो नाम है।
जब ये बात हो जाती है तो इसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई, वो ये कि ये जो हमने किया, आई राइट, वी राइट, यू राइट, ही राइट, शी राइट्स, इट राइट्स, दे राइट, एक ही वर्ब को एक टेंस में, अगर उसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से तमाम प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल किया जाए, करेक्ट इस्तेमाल किया जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये इस वर्ब के, जैसे वर्ब है यहाँ पर हमारे पास टू राइट, ये टू राइट के कॉन्जुगेट्स हैं फॉर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अगर हम सिर्फ कॉन्जुगेट्स की बात करें तो कॉन्जुगेट्स का मतलब ये है कि हम 12 के 12 टेंसेज में वर्ब जिस तरह से तब्दील होता रहेगा, उनके लिस्ट एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में 8 जो बाकी पैसिव वॉइस बनते हैं उनमें वर्ब जिस तरह से तब्दील होता रहेगा, उनकी लिस्ट। एक्टिव के 12 टेंसेज में वर्ब की लिस्ट किस तरह से तब्दील होता रहता है, और पैसिव में 8 टेंसेज हैं उन 8 में वर्ब किस तरह से तब्दील होता रहता है। एक्टिव और पैसिव दोनों की लिस्ट को ज्वाइन कर लें तो हम कहते हैं कि ये इस वर्ब के कॉन्जुगेट्स हैं। तो राइट नाउ हमने सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के लिए वर्ब टू राइट के कॉन्जुगेट्स देखें। ठीक हो गया, ये कॉन्जुगेट्स देख लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे है यूजेज ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें बनाना तो आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ गया, यानी हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिहाज से या टेंस ऑफ द वर्ब के लिहाज से हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। दैट इज क्वाइट राइट, दैट इज क्वाइट परफेक्ट। बट मसला ये है कि ये ठीक सेंटेंस बनाना आ गया है, ये सेंटेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस किन मौकों पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी थॉट को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन्हें। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। वो ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, ऐसा एक्शन जो हैबिट के तहत बार बार किया जाता हो। तो हैबिचुअल एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी प्रोक्रास्टिनेट्स, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना। शी प्रोक्रास्टिनेट्स, वो बातों को टालती रहती है। नाउ दिस इज हैबिचुअल एक्शन। अनदर एग्जाम्पल, आई डेली गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज हैबिचुअल एक्शन, सो इट मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एंड इट इज। दिस फैक्ट्री असेंबल्स अ कार इन 17 to 18 hours इन टोटल। तो हम किसी नॉन लिविंग की हैबिट बता रहे हैं, नॉन लिविंग की हैबिट भी बताई जा सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन हम उसकी हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं ना, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सो हम कंक्लूड ये करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हैबिचुअल एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक यूजेज इसका ये हो गया। नेक्स्ट यूजेज देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स और नेचुरल फिनोमेना। कुदरत में जो चीजें जिस तरह से होती हैं, सूरज मशरक से निकलता है, ये नेचुरल फिनोमिनन है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये नेचुरल फिनोमिनन है। सितारे रात को चमकते हैं, चलें दिखाई हमें देते हैं, तो ये नेचुरल फिनोमिनन है। ठीक है, पानी बुलंदी से पस्ती की तरफ जाता है, दिस इज नेचुरल फिनोमिनन। सो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल फिनोमिना को शो करने के लिए एंड जनरल ट्रूथ्स।
अमूमी हकायक जो हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल्स देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, नेचुरल फिनोमिना, कुदरत का असूल है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन। फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज टेस्टलेस, तो ये क्या है, जनरल ट्रूथ है, इसको हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल किया। आप कहेंगे वो सर वो वर्ब के साथ है, सी एस नहीं लगाया। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर टू बी की फॉर्म सिर्फ इस्तेमाल होती है, ठीक है, और यहां पर हमने टू बी की फॉर्म जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के लिए है वो हमने इस्तेमाल की है इज, और यहां पर मेन वर्ब है इज, इट इज नॉट हेल्पिंग वर्ब हियर, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही जुमला है जो रेफर क्या कर रहा है, जनरल ट्रूथ को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्चू, तो अगेन हम क्या जाहिर कर रहे हैं, एक जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करना है और हमने टू बी की फॉर्म इस्तेमाल की इज। और एक मालूमात जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, लेट्स हैव अ लुक, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिस इज मटेरियल थॉट, ठीक है, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है। ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की जनरल ट्रूथ के लिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स और नेचुरल फिनोमिना, ये इसका सेकेंड यूजेज है। थर्ड यूजेज देखिए, वो ये कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हेयर एंड देयर, Not all exclamatory sentences, only that begin with here and there. उसमें हम present indefinite tense इस्तेमाल करते हैं, क्यों, why, to express what is actually taking place in the present, कि इस वक्त हकीकत में सामने हो क्या रहा है, जो हमारे सामने इवेंट्स और इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में, और उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बिगिन भी हमने करना है हेयर और देयर से, इन दैट केस हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी बेस्ट एग्जांपल, ये सारा जो रूल है इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैचेस की कमेंट्री, फुटबॉल की कमेंट्री सुन लें आप, हॉकी की सुन लें आप, क्रिकेट की सुन लें कमेंट्री, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कमेंटेटर हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट में बात करेगा, किसी हैपनिंग को बताने के लिए, ठीक है ना, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, तो उसके सामने जो कुछ हो रहा होता है वो उसको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में एक्सप्रेस करता है। अच्छा, बट कमेंट्री के अंदर लाजमी नहीं है कि वो उसको एक्सक्लेमेटरी ही बनाए, वो एक्सक्लेमेटरी बनाने के बजाय भी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल कर लेता है। हाउएवर हम हेयर एंड देयर के यूजेज के साथ देखते हैं, फर्ज करें कि एक बहुत अच्छा बॉलर है, वो गेंद उसने गेंद करवाई, उसने बॉल फेंकी, ठीक है, तो कमेंटेटर सेज हेयर कम्स द बॉल, ठीक है, तो आप ये देखिए कि सेंटेंस हेयर से शुरू हुआ है और एक्चुअली जो सामने हो रहा है उसको वो नरेट कर रहा है, ठीक है, रियल टाइम हैपनिंग को वो नरेट कर रहा है, देयरफॉर उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है, हेयर कम्स द बॉल। और आगे से कोई बड़ा ही मतलब अफरीदी टाइप बंदा खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको मारता है छक्का और बाउंड्री से छोड़ स्टेडियम से बाहर छोड़ाता है, मतलब पहुंचा देता है, तो कमेंटेटर सेज देयर शी गोज,
ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है, और एक्शन जो है वो दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। इस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक हो गया जी। तीसरा यूजेज इसका ये हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का चौथा यूजेज क्या है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इज यूज्ड इन विविड नैरेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ऐसे राइटिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई नैरेटिव लिख रहे हैं, नरेशन लिख रहे हैं, वाजे तौर पर वो जो टाइप ऑफ राइटिंग है वो नरेशन है। एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट, मसलन मैं ये कहता हूं कि मैं इस तरह से कह सकता हूं कि जेरी हिट टॉम ऑन हिज हेड। ठीक है, तो ये मैं पास्ट का इंसिडेंट पास्ट टेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन आई हैव अ बेटर ऑप्शन, आई हैव अ बेटर ऑप्शन, आई शुड से जेरी हिट्स टॉम ऑन हिज हेड। ठीक है, तो विविड नरेशन, मसलन ये अब मैंने जो इस्तेमाल किया है जेरी हिट्स टॉम, लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। जेरी हिट्स टॉम ऑन हिज नेक एंड टॉम स्टार्ट्स स्टम्बलिंग, जेरी मार्चेस अराउंड हिम विक्टोरियसली। अच्छा, अब ये क्या है, ये मैं रीसेंट सिचुएशन नहीं बता रहा हूं, ये फर्क जेन में रखिएगा। ये मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं, कोई ये वो एक्शन नहीं है जो एट प्रेजेंट मेरे सामने हो रहा है। इसकी जो कहिए थ्योरी है वो ये है कि बचपन में आपने या मैंने टॉम एंड जेरी देखे थे। ठीक है, अब मैं अपने बेटे को कहानी सुना रहा हूं कि टॉम एंड जेरी में क्या हुआ। नाउ दैट इज अ नैरेटिव, अ विविड नैरेटिव, कि एक इंसिडेंट देखा है और उसको पास्ट में देखा था, उसको अब प्रेजेंट में मैं किसी को बता रहा हूं कि क्या कुछ हुआ। तो इन दैट केस मैं पास्ट की बजाय, सिंपल पास्ट की बजाय प्रेजेंट इनडेफिनेट जो है वो इस्तेमाल करूंगा कि जब मैंने कार्टून देखे थे, वो वाली बात को अब मैं कैसे बताऊंगा। मैं बताऊंगा जेरी हिट्स टॉम ऑन हिज नेक एंड टॉम स्टार्ट स्टम्बलिंग, जेरी मार्चेस अराउंड हिम विक्टोरियसली। ठीक है, अब देखें तीनों वर्ब हमने इस्तेमाल किए प्रेजेंट टेंस के अंदर, रादर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के अंदर। तो ऐसे मौकों पर जब विविड नैरेटिव है, हम सिंपल पास्ट की बजाय प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस प्रेफर करते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 4। नंबर 5, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल। सिर्फ फ्यूचर इवेंट के लिए हम हमेशा नहीं कर देंगे, फ्यूचर में कोई फिक्स्ड टाइम टेबल है, मैच कल शाम 6 बजे स्टार्ट होगा, नाउ ये एक फिक्स्ड टाइम टेबल है। ठीक है, या ये कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है, तकरीब 3 दिन के बाद या तकरीब ट्यूसडे को 7 AM स्टार्ट होगी, तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो फिक्स्ड टाइम टेबल या फिक्स्ड प्रोग्राम को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में होना है, हम वहां पर भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट लीव्स एट 7 टुमारो मॉर्निंग। अब उर्दू में तो इसके मीनिंग्स यही हैं कि अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे जाएगी। ठीक है, यहां पर वो रूल जो है हमने एक पहले पढ़ा हुआ है कि बाज़ औकात प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। अब मजे की बात यह है
कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरह से ट्रांसलेट नहीं कर देना कि अगली फ्लाइट कल सुबह 7 बजे जाती है. नो सॉरी, रॉन्ग हो जाएगा. जाएगी, उसकी वजह यह है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन में जब हम फ्यूचर के किसी फिक्स टाइम टेबल को रेफर कर रहे हैं या फ्यूचर के फिक्स प्रोग्राम को रेफर कर रहे हैं तो टेंस हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट. लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस टाइम रेफर करेगा फ्यूचर का, ठीक है ना. वर्ब का टेंस जो है वो तीन फंक्शन करता है. नंबर वन, वो ये बताता है कि एक्शन या इवेंट क्या है. नंबर टू, वो बताता है कि उसका टाइम क्या है एक्शन या इवेंट का. नंबर थ्री, वो बताता है कि उसकी स्टेट क्या है. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में स्टेट क्योंकि किसी तरह से ही एक्सप्रेस नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनेट का तकाजा है कि ये स्टेट को एक्सप्रेस ही ना करें, तो इस बात से तो इसे रुख्सत दे दें, छुट्टी दे दें. बाकी दो बातें रह गई कि ये जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है वर्ब लीव्स, ये जाहिर कर रहा है किसी एक्शन को या इवेंट को, और इसने टाइम भी तो जाहिर करना है, वो जाहिर करना लाजमी है. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में ये टाइम प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहते हुए फ्यूचर टाइम रेफर कर रहा है, ठीक है. तो वी कम बैक टू द पॉइंट कि जब अ फिक्स टाइम टेबल हो और फिक्स प्रोग्राम हो, मुतालिक हो वो टाइम फ्यूचर से, तो इन दैट केस हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. इसका मतलब लफ्जी तर्जमा तो ये हो जाएगा कि मैच 9 बजे शुरू होता है. ये तो हम हैबिट कर देंगे इसकी, लेकिन ये फ्यूचर प्लान को रेफर कर रहा है यहां पर, या एटलीस्ट हम फ्यूचर प्लान वाले टॉपिक में इसको डिस्कस कर रहे हैं. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है. तो इसका तर्जमा होगा कि मैच 9 बजे शुरू होगा. तो जब हम फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम जो फ्यूचर से रिलेटेड हो उस सूरत में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं वर्ब का, और वर्ब का वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट टाइम को रेफर नहीं करता, फ्यूचर टाइम को रेफर करता है. द ट्रेन लीव्स एट 5:20. तो इसका तो वो जो देसी तर्जमा हो जाएगा वो तो यही कि ट्रेन 5:20 पर रवाना होती है. लेकिन इसका इडियोमेटिक तर्जमा क्या होगा, बा मुहावरा तर्जमा क्या होगा? ट्रेन 5:20 पर रवाना होगी. और आखिरी बात दोहरा रहा हूं कि जब हम फ्यूचर इवेंट के लिए किसी फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम के लिए टेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया जाता है. और वो वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस टाइम के लिहाज से प्रेजेंट को रेफर नहीं करता, वो फ्यूचर टाइम को रेफर करता है. रूल नंबर 5 के बाद, नहीं बाद नहीं भाई, अभी इसमें एक और एग्जांपल पड़ी हुई है. व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन. अब इसका वही बात, जो लफ्जी तर्जमा बनेगा वो तो यही बनेगा कि कॉफी हाउस कितने बजे खुलता है. नो दैट इज रॉन्ग. हम फिक्स टाइम टेबल के लिए बात कर रहे हैं तो टेंस हम प्रेजेंट करेंगे इस्तेमाल, वर्ब का टेंस हम प्रेजेंट ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो टाइम रेफर करेगा फ्यूचर में. और इसका जो बा मुहावरा तर्जमा होगा या जिसे हम इडियोमेटिक ट्रांसलेशन कहते हैं, वो इडियोमेटिक ट्रांसलेशन होगी कि कॉफी हाउस कब खुलेगा, कॉफी हाउस दोबारा कब खुलेगा. ठीक हो गया सर. तो हम फ्यूचर के फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और उसमें द टेंस ऑफ द वर्ब
एक्शन शो करता है और टाइम वो रेफर करता है. टेंस ऑफ द वर्ब एक्शन शो करने के साथ वो प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है वो टेंस ऑफ द वर्ब, लेकिन टाइम वो रेफर करता है फ्यूचर का. नंबर सिक्स देखिए, वो कहता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस. अब दो चीजों का मैच पड़ गया और वो ये है कि सिंपल फ्यूचर टेंस की बजाय हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. कब? ये इंपॉर्टेंट बात है. ये नहीं कि हर दफा ही उठ के ये काम कर देंगे कि जहां हमने सिंपल फ्यूचर यूज करना था वहां प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा देंगे. नो, इट इज नॉट सो. कंडीशन आगे है. कंडीशन को पहले देखें, इन क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन. कंडीशन वाली क्लॉजेस को और टाइम को रेफर करने वाली क्लॉजेस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस टाइम वाली क्लॉज में भी और कंडीशन वाली क्लॉज में भी हम सिंपल पास्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करेंगे. लेट अस हैव अ लुक एट एन एग्जांपल. We will start our discussion when he comes. अब आप देखें when he comes ये कौन सी क्लॉज है जो टाइम को रेफर करती है. इसको अगर ग्रामर के लिहाज से कहें तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है. एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है. तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनेट टाइम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमने कहा व्हेन ही कम्स, तो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन व्हेन ही कम्स. इसका तर्जमा क्या होगा? हम अपनी डिस्कशन तब शुरू करेंगे जब वो आता है. उर्दू में नहीं ये कहेंगे, फिर वही मसला हो गया. उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन ये बन रही है कि हम अपनी डिस्कशन तब शुरू करेंगे जब वो आ जाएगा. इससे पता क्या चला कि वो क्लॉज जो टाइम को रेफर करती है उसमें जब हमने वर्ब को प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया है तो वो वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसमें कोई शक को शुबा नहीं. लेकिन जो वो टाइम रेफर कर रहा है वो टाइम फ्यूचर का रेफर कर रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये तो हमने देखी ना कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करेंगे तो क्या होगा. अब हम देखते हैं कि इफ क्लॉज वाले यानी कंडीशन क्लॉज सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें जिस क्लॉज के अंदर इफ इस्तेमाल करते हैं उस क्लॉज को हम कहते हैं इफ क्लॉज या कंडीशन क्लॉज. तो कंडीशन क्लॉज की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट क्लॉज की नहीं कर रहे. कंडीशन क्लॉज में हम पास्ट इंडेफिनेट को या सिंपल पास्ट की बजाय प्रेफर करते हैं, बल्कि इस्तेमाल करते ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है. इफ यू हरी यू विल रीच इन टाइम. अब देखें यहां पर भी ये गड़बड़ हो गई. इफ यू हरी, अगर तुम जल्दी करते हो, ये लिटरल मीनिंग्स हैं जो गलत हैं. अच्छा, ये लिटरल मीनिंग्स बने क्यों हैं कि हरी जो है ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है. तो हम और क्या करें फिर कि हम कहें कि अगर तुम जल्दी करते हो, तो भाई सेंटेंस पूरा देख लें. इसकी जो रिजल्ट क्लॉज है वो कह रही है यू विल रीच इन टाइम. तो रूल हमने कंडीशनल में ये पढ़ा था, कंडीशनल टाइप वन है ये,
कंडीशनल टाइप वन में इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होती है और रिजल्ट क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में होती है. तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर ये इफ और रिजल्ट क्लॉज का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं अगर तुम जल्दी करोगे तो तुम वक्त पर पहुंच जाओगे. अब आप देखें इफ यू हरी प्रेजेंट को हमने ट्रांसलेट किया फ्यूचर में तो यहां से पता ये चला कि ये वाला प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब हरी ये प्रेजेंट टेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन ये टाइम रेफर कर रहा है फ्यूचर का. सो वी मस्ट बी वेरी विजिलेंट इन दीज केसेस के टेंस को द टेंस ऑफ द वर्ब जब हम इस्तेमाल करें तो उसमें हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हम उससे टाइम कौन सा रेफर कर रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब क्लॉज टाइम वाली है यानी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है या ऑफ कंडीशन है इन दैट केस हम सिंपल फ्यूचर की बजाय सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट बात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस. किसी की कही हुई बात आपने कोट करनी है तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में प्लीज नोट इट डाउन रिपोर्टिंग स्पीच ने नॉट द रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसकी नहीं मैं बात कर रहा हूं. मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगी जब आप किसी का कोट बता रहे हैं. एंड कोट की डेफिनेशन वो आप सबको क्लियर है कि एक्स वाई जेड दूध दही वाले की बात कोटेशन नहीं बनेगी. कोटेशन दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों की बनेगी बड़े माइंड जो हैं दुनिया के जरखेज माइंड जो हैं अजीम जहन है कोटेशंस उनकी बनेगी अजीम किताबों में से कोटेशंस बनेगी. ठीक है तो कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल है आपके पास अल्लाह सेज आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु डू नॉट नो. मतलब इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है. हल यस्तवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून एक बराबर हो जाएंगे जो साहिबे इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है. सो इल्म यहां से पता चला कि वो बड़ाई का बर्तरी का बेहतरी का स्टैंडर्ड है. तो कोई भी जो बेहतर होना चाहिए मस्ट एक्वायर नॉलेज. कमिंग बैक टू द पॉइंट कोटेशंस को देने के लिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं. एग्जांपल मैंने यहां से कुरान पाक से दी. अब हम दुनियावी जो बातें हैं उनकी तरफ आते हैं. जॉन मिल्टन सेज सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी. We are not concerned कि उसने क्या है कोटेशन के अंदर क्या टेंस इस्तेमाल हुआ है. We are not concerned, least concerned को भी छोड़ दें. We are not concerned with that at all. हम reporting speech के साथ concerned है. तो जब हम किसी का कोट दे रहे हैं तो वहां पर हम लिखेंगे says. ठीक है said लिखेंगे तो Not acceptable. मैं कोई सख्त लफ्ज कहना नहीं चाहता हूं. नेक्स्ट बात देखिए नेक्स्ट बात यह है वो कहता है द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग कुछ वो लफ्ज देना चाहता है. वो कहता है अपने मानी के एतबार से आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज करते बट इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. उनका ज्यादा मसला होता ही यही है कि प्रेजेंट में यूज करें कि सिंपल प्रेजेंट में यूज करें या कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करें. उनका मेन मसला होता ही यही है. लेट्स हैव अ लुक
ये वर्ब की जो टाइप्स हैं, पहली टाइप है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकग्नाइज। इनको हम सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। बिट ऑफ एक्सेप्शन इज देयर, प्लीज कीप इट इन माइंड, बिट ऑफ एक्सेप्शन इज देयर। वो एक्सेप्शन भी अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयर, लुक, सीम, सिंपल प्रेजेंट में यूज करें। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वॉन्ट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ब्स हैं। इनको भी प्रेजेंट में यूज कीजिए। एक्सेप्शंस आर देयर, वो डिस्कस करते हैं। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, ये सब प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। दे विल बी मोर अप्रोप्रिएट, दे विल बी करेक्ट, ठीक है। और इन मेनी केसेस अगर उसी थॉट को कॉन्टिन्यूस में आप पेश कर देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्शन जो है वो हम साथ देखते हैं कि किस वक्त, वो कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिस वक्त हम इन्हें किसी और टेंस में भी यूज कर सकते हैं। ओके, हैव, जैसे आई हैव अ काउ, ठीक है, विच आई डोंट हैव राइट नाउ। तो हैव, इसको जब हम पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट एज एन एज अ हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 3 आवर्स, तो उसमें हैज बीन में हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। मैं बात कर रहा हूँ जब हैज या हैव ये इस्तेमाल किया जाएगा पोजेशन शो करने के लिए, जैसे आई हैव अ पेन, ही हैज अ बैग, ठीक है, ये मेन वर्ब के तौर पर एक्ट करेगा और पोजेशन को शो करेगा। इस हालत में जब ये मेन वर्ब है, ठीक है, और इस तरह की थॉट्स को कन्वे करने वाले जो वर्ब्स हैं, पोजेशन की थॉट्स को कन्वे करने वाले जो वर्ब्स हैं, लाइक ओन, ठीक है, आई ओन अ हाउस, पोजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, या बी एक्टिव वॉइस में, इसकी हम कंटिन्यूस बनाकर एक्टिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते। बी जो है ये भी एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है। अमूमन हम इसे हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी के तौर पर ही देखते, जानते और पहचानते हैं, और ये इनफैक्ट हमारा टॉपिक होना चाहिए कि बी क्या है और बी के यूजेज क्या हैं। बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े प्यारे मीनिंग्स कन्वे करता है ये अपने कॉन्जुगेट्स के साथ, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में बी जो है इसको सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करें, उसके अलावा कभी नहीं, एक्सेप्ट पैसिव वॉइस में जाके बी जो है इसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं और ये दूसरे मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। सो ओवरऑल हमने ये देखा कि ये जो परसेप्शन, अपेयरेंस, इमोशन, थिंकिंग और पोजेशन वाले जो वर्ब हैं, इनको preferably and usually simple present tense में इस्तेमाल किया जाता है। अगर simple present tense में इनसे express की जाने वाली thought को हम जबरदस्ती continuous में ले जाएंगे तो हमारा sentence wrong हो जाएगा। Let's have a look at a few examples. देखें, these mangoes are tasting sour. तो ये आर टेस्टिंग हमने कॉन्टिन्यूस में कर दिया, ये इनकोरेक्ट हो जाएगा। वी शुड से दीज मैंगोज टेस्ट सॉर, ठीक है, वी कैन नॉट से आर टेस्टिंग सॉर, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने उसको कॉन्टिन्यूस की बजाय प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर राइट,
ठीक है। अब ओरिजिनल थॉट तो यही होती है ना कि मैं सोच रहा हूं कि तुम ठीक ही हो, बट इंग्लिश में हम इसको कंटिन्यूअस में नहीं लिखते, वो गलत हो जाता है। इस बात को इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वे करते हैं, आई थिंक यू आर राइट। ठीक हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। अब एक्सेप्शन को हम देखते हैं कि ये टेस्ट या थिंक के वर्ब को क्या हम कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हमारी इतनी मजबूरी और महरूमी कि इनको कंटिन्यूस में कभी भी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। नो, इट इज नॉट सो, वी कैन। लेट्स हैव अ लुक एट एक्सेप्शन। ही इज टेस्टिंग द पिज्जा वेदर ही शुड ईट इट और नॉट। वो पिज्जा को चख के देख रहा है कि क्या ये वो खा ले ये वाला पिज्जा के ना खाए। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पूरा उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। देयरफोर हमने कहा कि इज टेस्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो हम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर टेस्ट या थिंक या जितने वर्ब्स हमने पिछले पेजेस पे देखे हैं उनमें से कुछ को निकाल के बाकी सब को जहां जरूरत है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं, बट जहां पर रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिहाज से एक्सप्रेस करने की, जैसे दीज मैंगोज टेस्ट सॉर या आई थिंक यू आर राइट, तो इन दिस केस अगर हम कंटिन्यूस इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हम अपना सेंटेंस इनकरेक्ट कर लेंगे। ओके, अब लास्ट एग्जाम्पल देखिए। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग एन एसे। तो यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करना दैट इज लेजिबल, दैट इज अप्रोप्रिएट, रादर दैट मस्ट बी यूज्ड। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की थॉट एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट हमने चूज करना है। रादर हमने जो वर्ब्स की टाइप्स देखी हैं पीछे वो क्या थी, हमारे पास परसेप्शन थी, अपेयरेंस वाले वर्ब थे, और इमोशंस वाले वर्ब्स थे, और थिंकिंग वाले वर्ब्स थे, और पोजेशन वाले वर्ब्स थे। इनको यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है बजाय इसके कि कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल किया जाए। एक्सेप्शनली ये या ओकेजनली अपनी एक्सेप्शन के साथ कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। सो ये डिस्कशन थी आज हमारी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के यूजेज हमने सीखे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।